मध्य प्रदेश चुनाव में अब केवल एक महीना बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से जनता को साधने में लगी हुई हैं। पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक बयान ने सियासी जमीन पर तूफान ला दिया है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी भी नजर आ रही है, जिस पर बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी की चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ के दो वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। एक तो वो वीडियो जिसमें वह दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, आप भी देखिए ये वीडियो। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वीडियो में टिकट ना मिलने पर नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ के पास आए हैं, जहां कमलनाथ ने उनसे कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बीजेपी के सवालों के बाद अब दिग्विजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। नर्मदे हर। और अब साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भरे मंच से कमलनाथ कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह आपकी बात ना सुने तो कपड़े फाड़ देना, जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी स्टेज से प्रतिक्रिया दे दी। देखिए ये वीडियो। हमने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। कमलनाथ आगे कहते हैं कि मेरा और दिग्विजय का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है। मैंने इनको बहुत पहले पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, वो ये थी कि आप कमलनाथ के लिए गालियां खाएंगे। इतने में दिग्विजय ने कहा, लेकिन गलती कौन कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। कमलनाथ ने उन्हें रोकते हुए कहा, गलती हो या ना हो गाली खानी है। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, राजनीतिक नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, शंकर जी का काम यही है विष पीना, तो पिएंगे। कमलनाथ ने कहा, इन्होंने बहुत सारे पिए हैं और आगे भी पीने पड़ेंगे। अब हम जानेंगे कि कमलनाथ और दिग्विजय के इस रिश्ते को देख करके भाजपाइयों का क्या है कहना। आशीष अग्रवाल ने ये भी ट्वीट किया है कि इसे कहते हैं भरे मंच पर शहद में भिगोकर मारना, कांग्रेस की कपड़ा फार पॉलिटिक्स में कमलनाथ जी का नया बयान। साथ ही इस विषय पर नरेंद्र सलूजा का भी ट्वीट आया है, उन्होंने कहा, दल बदल कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काटे जाने से उनके समर्थकों ने कमलनाथ जी का घर घेरा, भारी आक्रोश दिखाया। नाथ ने कहा, दिग्विजय सिंह और केपी के कारण यह सब हुआ। नाथ ने कहा, जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। यह हालत है कि नाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें टिकटों का होश नहीं, कोई भी कंफ्यूजन पैदा कर टिकट फाइनल कर रहा है। इस आक्रोश व घेराव के बाद शिवपुरी पिछौर कोलारस के कांग्रेस के टिकट बदलना तय। टिकट बटने की व कांग्रेस के सर्वे की वास्तविकता यह वीडियो बता रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच की अंतर्कलह साफ दिखाई दे रही। आपका कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इस रिश्ते को लेकर क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आयद इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद, उसे फॉलो करना ना